लास्ट वीक दोस्तों हमने देखा था कि पॉलिसी बाजार की मोबाइल ऐप से आप बाइक इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने पास्ट में कभी भी पॉलिसी बाजार से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और अब आपको उसका पीडीएफ या पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो उसे डाउनलोड कैसे करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपने क्लेम का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, आपके पैसे दो बार कट गए हैं, उसकी रिक्वेस्ट आपको कैसे रेज करनी है, या इसके अलावा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल करने का तरीका क्या है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, यानी कुल मिलाकर पॉलिसी बाजार की ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है अगर आपने यहां से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो। पॉलिसी बाजार की मोबाइल ऐप के अंदर लॉगिन करने से लेकर पॉलिसी डाउनलोड करना और अलग अलग फीचर्स को इस्तेमाल करना आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं पॉलिसी बाजार की ऐप के इस्तेमाल की पूरी इंफॉर्मेशन को समझना तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एडिशनल जानकारी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको होती है तो वो कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। तो देरी नहीं करते हैं और आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फोन में हमें प्ले स्टोर ऐप के अंदर पॉलिसी बाजार ऐप को इंस्टॉल करना होगा। पॉलिसी बाजार ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे। ऐप इंस्टॉल हो गई है, इसको ओपन करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो हम क्लिक करेंगे लॉगिन वाया मोबाइल नंबर के ऊपर। लॉगिन करते टाइम जो आपको मोबाइल नंबर यूज करना है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करना है, यानी जब आपने पास्ट में ये पॉलिसी खरीदी थी उस टाइम पर जो आपने ऐप के अंदर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन किया था वही सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मोबाइल नंबर से जब हम ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं तो हमारा एक यूजर आईडी बन जाता है, जिसके बाद जो भी हम पॉलिसी इस मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद खरीदते हैं वो हमारे अकाउंट की पॉलिसीज में मैप होती रहती हैं, और कभी भी फ्यूचर में जब हम इसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो हमारे डेटाबेस के अंदर वो पॉलिसीज हमें एज इट इज मिलेंगी। तो हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहां लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि ऑटोफेच होने के बाद ऐप में अपने आप लॉगिन आप हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस यहां पर दिखेगा। अब यहां पर सबसे नीचे आपको मेन्यू के जो आइटम्स दिखाई दे रहे हैं यहां पे सेंटर में लिखा हुआ है पॉलिसीज, यहां पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्टिव और इनएक्टिव पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है? एक्टिव पॉलिसीज वो हैं जो अभी भी एक्टिव है, यानी जिनका रिस्क कवरेज अभी भी एक्टिव है, उनकी वैलिडिटी अभी भी बनी हुई है, यानी ये पॉलिसीज एक्सपायर नहीं हुई है। इनएक्टिव पॉलिसी कौन सी है? जो पास्ट में आपने पॉलिसीज खरीदी थी लेकिन ये एक्सपायर हो चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड भी आपको इस ऐप के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो एक्टिव पॉलिसी यहां पर दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर ऑप्शन आपको दिखेगा डाउनलोड पॉलिसी का सबसे ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये पॉलिसी आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप वहां से ओपन कर सकते हैं। टू व्हीलर की डिटेल्स, ओनर की डिटेल, नॉमिनी की डिटेल, आपको सारी डिटेल्स यहां पर दिखाई दे जाएंगी। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये किसकी पॉलिसी है, क्या डिटेल्स हैं टू व्हीलर की, ओनर की और नॉमिनी की। सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है नीड हेल्प, ये बहुत जरूरी ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं हेल्प के लिए। तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है रेज ए रिक्वेस्ट। किस चीज की रिक्वेस्ट रेज होगी? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रिक्वेस्ट आप यहां से रेज कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पेमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अगर आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं और ये पॉलिसी आपको नहीं मिली थी, तो इसके लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका प्रीमियम दो बार डिडक्ट हो गया है, यानी आपके पैसे दो बार कट गए हैं, तो एक बार का पैसा आपको रिफंड मिलना चाहिए, वो रिक्वेस्ट भी आप यहां से रेज कर सकते हैं। ये कब की रिक्वेस्ट है? जब आपने पॉलिसी खरीदी होगी उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो वो रिक्वेस्ट आप यहां पर रेज कर सकते हैं। वापस जाएंगे मेन्यू के अंदर, दूसरी रिक्वेस्ट जो आप रेज कर सकते हैं नीड ए पॉलिसी कॉपी। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके एड्रेस के ऊपर एक लेटर द्वारा एक हार्ड कॉपी आपके पास पहुंचे, तो नीड पॉलिसी हार्ड कॉपी के ऊपर क्लिक करके आपने रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है नीड पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी। आपको सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ ही नहीं मिली है तो इसका ऑप्शन भी यहां पर दिया गया है। इस सेकंड नंबर के रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ की रिक्वेस्ट भी यहां पर रेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ मिल गई है लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है, फाइल करप्ट है या ब्लैंक है, तो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, आपके पास एक वैलिड पीडीएफ द्वारा भेज दी जाएगी। अब ये तो बात थी एक्टिव पॉलिसीज की, लेकिन अगर मान लो कोई आपकी ऐसी पॉलिसी जो आपने एक दो साल पहले खरीदी थी लेकिन अभी उसका पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो टू व्हीलर दिख रहा है इसको ओपन करते हैं, इसकी लास्ट 2021-22 की पॉलिसी भी यहां पर अवेलेबल है। अगर इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहां पर डाउनलोड पॉलिसी कॉपी का ऑप्शन आ गया है, यहां से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी पॉलिसी कॉपी की जरूरत क्यों पड़ सकती है? क्योंकि हो सकता है जो लेटेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी उसके अंदर कोई क्लेम आया हो और हो सकता है आपके सर्वेयर ने आपसे आपकी प्रीवियस पॉलिसी मांग ली हो और आपके पास उसकी पीडीएफ ना हो, तो आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर्स की पॉलिसी पीडीएफ भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पॉलिसी की कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी पॉलिसी कॉपी भी डाउनलोड हो जाएगी। यहां से वापस चलते हैं,
और बाकी मेन्यू को भी एक्सप्लोर करते हैं। अब इस तरीके से जो इनएक्टिव पॉलिसीज हैं वो भी आप सब यहां से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी व्हीकल की जो पास्ट में आपकी पॉलिसीज रही हैं। अब साइड में ऑप्शन जो दिख रहा है क्लेम्स का ऑप्शन है, यहां पर क्या है इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्लेम्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैक क्लेम्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग क्लेम्स हैं जो अपने क्लेम फाइल कर रखे हैं उनका स्टेटस भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक रिसेंट क्लेम था जो यहां पर केस क्लोज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं पास्ट में ये क्लेम फाइल किया गया था इस गाड़ी नंबर में, तो यहां से क्लेम का स्टेटस क्या रहा वो भी आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब क्योंकि ये केस ऑलरेडी क्लोज है तो स्टेटस यहां पर ऑलरेडी क्लोज आ रहा है, लेकिन अगर आपका कोई ऑनगोइंग क्लेम है तो उसका स्टेटस भी आप यहां ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, चाहे ये कोई टू व्हीलर का क्लेम है चाहे ये किसी गाड़ी का क्लेम है। वापस चलते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चाहिए हैं तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट एंड इंश्योरर पर क्लिक करेंगे यानी जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहां से मिल सकती हैं, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट एंड इंश्योरर के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी पॉलिसी के लिए आप देख रहे हैं। मान लो मैं कार इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए देख रहा हूं तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट आ गई है, जो भी मेरी इंश्योरेंस कंपनी है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहां से ले सकता हूं। मान लो मैं HDFC Ergo को सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए HDFC Ergo का कॉन्टैक्ट नंबर, जो इनका टोल फ्री नंबर है वो, और साथ में इनकी ईमेल आईडी भी, कस्टमर केयर की ईमेल आईडी भी यहां पर इन्होंने दिखा दी है। तो अगर कोई आपको हेल्प चाहिए है, कोई कस्टमर केयर से मदद चाहिए है तो वो इंफॉर्मेशन भी आप यहां से ले सकते हैं। तो यहां हमने क्या देखा, कैसे आप क्लेम्स को ट्रैक कर सकते हैं, पॉलिसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलिसी रिलेटेड अपने रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकते हैं, पास्ट ईयर की पॉलिसीज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार से अगर आपने कोई भी पॉलिसी खरीदी है तो इस तरीके से पास्ट पॉलिसीज से रिलेटेड सर्विस आप ले सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आपने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया है। तो दोस्तों ये जितनी भी सर्विसेज आपने देखी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको पे नहीं करने हैं। आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी पॉलिसी बाजार ऐप के थ्रू खरीदी है तो इस तरीके से आप इन अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इन फीचर्स के बारे में नहीं पता है तो ऐप के अंदर ये फीचर्स होते हुए भी हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर इनको इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो हमारे लिए इनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने सीखा कि ऐप के अंदर दिए गए फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करना है और बिना किसी और के मदद के हम सारी रिक्वेस्ट, पॉलिसी डाउनलोड, क्लेम को कैसे ट्रैक करना है, ये सारी बातें अपने फोन डिवाइस से ही हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी कुछ इंफॉर्मेशन को बढ़ाया है, कुछ आपके लिए वैल्यू क्रिएट की है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको समझ में आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।